मंत्री दर्जा प्राप्त और महामंडलेश्वर संत कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां उनके आश्रम व एक अन्य भूमि पर प्रशासन ने कार्यवाही की है, तो वहीं उनके कई साथियों के साथ बाबा को सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, विधायक विशाल पटेल, पूर्व विधायक अश्विन जोशी, विधायक संजय शुक्ला, अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव सहित कई नेता और संत बाबा से मुलाकात करने सेंट्रल जेल पहुंचे। बाबा से मिलने के बाद लौटे नेताओं ने मीडिया के सामने आकर बाबा को निर्दोष बताया और कहा कि बौखलाई भाजपा सरकार बाबा पर कार्यवाही कर रही है। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा की कार्यवाही को गलत बताया और कहा कि कंप्यूटर बाबा ने जेल में उनसे मुलाकात कर आंसुओं के साथ आपबीती बताई। जीतू पटवारी की जुबानी माने तो कंप्यूटर बाबा के आश्रम में मिली कई आपत्तिजनक सामग्री उनकी नहीं है। वहीं पुलिस ने जो बंदूक जब्त की है उसका लाइसेंस बाबा के पास है। वहीं पूर्व मंत्री पटवारी ने बाबा की जल्द ही जमानत होने की बात भी इस दौरान कही है। कि जो कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया वो विधायक निधि से बना हुआ था, वो जनपद की निधि से बना हुआ था, वो पंचायत की निधि से बना हुआ। सरकार ने सरकारी पैसे से कैसे परमिशन दी अवैध निर्माण के लिए, ये प्रश्न खड़ा कर। दूसरा, जो बंदूक मिली वो बंदूक का उनके पास लाइसेंस है। तीसरा, अखबारों में उन्होंने अंदर देखा कि टब मिला और कुछ ऐसी बातें, सब झूठ बाबा ने बताई। उन्होंने कहा कि साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार शिवराज करेगा, ये हमें अंदाजा नहीं था। एक तरफ हिंदुत्व के नाम का झंडा बुलंद करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग साधु संतों के साथ इतनी यातना देंगे, ये कंप्यूटर बाबा आंखों में आंसू ला लाकर अपनी बातें बता रहे। मैं मानता हूं कि ये सारा परिदृश्य, जैसा अश्विन जोशी जी ने कहा कि 15 साल तक जब शिवराज जी की स्तुति करें तो ये साधु संत महात्मा, और जैसे ही कहा कि आपने नर्मदा सेवा योजना या सेवा योजना में घोटाले क्यों किए, अवैध खनन क्यों हो रहा है, तो आप शैतान। शिवराज सिंह दो चश्मों से साधु संतों को देखते हैं, एक मेरे पक्ष के, एक मेरे विरोधी। अगर साधु संत भी विरोधी है तो शिवराज सिंह जैसा हिटलर आदमी छोड़ेगा नहीं, ये बताना चाहते हैं। शिवराज जी एक अच्छा राजा, अच्छा राजा नियम कानून कायदे संविधान का न्याय के लिए उपयोग करता है, और एक खराब राजा नियम कायदे कानून संविधान का बदला लेने के लिए उपयोग करता है। तो बदला लेने वाले जितने भी राजा इतिहास में रहे हैं उनका अस्तित्व इतिहास में नहीं दिखा है। मैं मानता हूं 3 बार आप चुन के मुख्यमंत्री बने, 1 बार अतिक्रमण करके मुख्यमंत्री बने, बाबा के अतिक्रमण पर आपत्ति और आपने सत्ता अतिक्रमण से हथियाई उस पर वाहवाही, ये दोहरा मापदंड शिवराज जी का क्यों है? ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। कांग्रेस पार्टी बाबा के साथ है, उनके न्याय संगत सारे व्यवहार के साथ है। मैं मानता हूं कि ऐसी सारी परिस्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी, जिला प्रशासन और सरकार शिवराज सिंह चौहान की निंदा करते हैं। धन्यवाद। वो शिवराज जिसकी 15 साल से सरकार थी, वो कंप्यूटर बाबा जिसको मंत्री बनाया उन्होंने, जब मंत्री बनाया तब आश्रम अवैध नहीं था, 15 साल से सरकार थी तब आश्रम नहीं दिखा, लेकिन जब बाबा ने लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ पूरे प्रदेश में अलग जगाया तो शिवराज सिंह को तकलीफ हुई और बाबा के आश्रम को में अवैधता दिखने लग गई। तो ये आश्रम जो 15 साल से था, जिसमें शिवराज मंत्रिमंडल के सारे मंत्री गए बाबा के हाजिर देने, वो एकदम अचानक अतिक्रमण में आ गया। अभी क्या मुलाकात हुई, अभी क्या बोला गया? बाबा का कहना है कि बाबा के पास जो बंदूक मिली उसका लाइसेंस है, बाबा के पास जो आश्रम बना था वो पंचायत की निधि से बना था, वो उनके पास दस्तावेज है, और बाबा को के अतिक्रमण को तोड़ करके शिवराज सिंह ने अन्य संतों को एक धौंस दी है कि यदि हमारे खिलाफ जाओगे तो तुम्हारे साथ हम ऐसा करेंगे। ये मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर संतों को येन केन पकड़ेन अपने पक्ष में करने का तरीका है।